हरामजादे 23 साल की नीलगाय हो रहा है, आज तक 2 रुपए भी कमा के दिए हैं घर में, पूरे दिन हमारी छाती पे नाचता रहे। अब इस घर में जब भी वापस घुसियो, जब जेब में पैसा हो, जब भाग जाए आते सुअर। बेबी आपको पता है कल पापा कुत्ता समझ के घर में एक भेड़िया उठा लाए। ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? होना के था, पाड़ खाए सारे, वो तो मैं घर पे नहीं था। कुत्ते ने पाड़ा होता तो इंजेक्शन लग जाते, पर अब भेड़िया ने पाड़ा तो ऑपरेशन होएगा। यार ये कुत्ता कुतिया तो चलते रहेंगे, ये बताओ शॉपिंग पे चले? पैसे ना है। क्या? पैसे नहीं है। सही से बोलो ना। पैसे ना है। यार तुम्हारे पास कभी पैसे होते भी है? जब देखो ये मुरझाए कुत्ते की तरह बैठे रहोगे, मेरे नखरे कौन उठाएगा? बस कर यार, लड़का कोई एटीएम थोड़ी हूँ जो तेरे खर्चा उठाता रहूंगा। वैसे दुनिया जान में फैला रखी है कि लड़का लड़की बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है, मुंह ते मुंह भिड़ा के चल रही है, पर सच बात तो है थम ना चल रहे कहीं, थम चल रहे मेरी टाट पे। पैसा है तो बेबी बेबी, ना है तो भाग सुअर। अब ना है मेरे पे पैसा, क्या करूं, मर जाऊं, कट जाऊं, रेल के नीचे आ जाऊं, ना मिला कोई पैसा वैसा, भाग जाए थे पागल सी। झाड़ लिया भाषण, दिखा दी मुझे सच्चाई, देख कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, तो अपनी एक गंदी शक्ल अब मेरे सामने तब लेके आई हो जब जेब में पैसे हो, लूजर। ओए पहले के 35 रुपए निकाल भाई, लेता रहियो ना, इस टाइम गुरुदेव ने शिखर की बहुत ज्यादा जोरते है, अगर शिखर ना मिला ना तेरे खोके सामने छाती पीट पीट के मर जाऊंगा। वैसे भी तेने बेरा मेरे गायनो को बेस्टिया, अब देख ले तेने शिखर देना है या छाती पीट के मरू। अरे नो टंकी, भग जाए आते है, नहीं तेरी छाती के साथ साथ तेने और पीट दूंगा, अब जब आई हो जब तेरे जेब में पैसे हो। वैसे यार लाइफ में एक चीज होनी तो बहुत जरूरी है, नहीं? हाँ भाई सही कह रहा तू, जिंदगी में शिखर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना गुटके के ना जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगे। इसकी जिंदगी यहीं तक रहेगी, बीड़ी गुटका साग पूरी नमकीन इन तक मत बढ़ियो कदे बेटा, अब टाइम है कुछ बड़ा करने का। भाई एक दूसरे का बड़ा छोटा बाद में कर लेना, मैं तो कहता हूँ बैंक का फार्म भर देते हैं, 20,000 रुपए महीना कमाएंगे तीनों भाई, मजे करेंगे मजे। 20,000 रुपए महीना? बेटा जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो एक भैंस खरीदूंगा, उसके सिंगार पे लगाई करूंगा 20,000 रुपए महीना, मेरा आगे मत करेगा चिंदी बात। हाँ भाई सही कह रहा, जब मैं अमीर बनूंगा ना तो एक बड़ा सा खोखा खोलूंगा, फिर धै शिखर धै गुटका अपनी जिंदगी खराब कर लूंगा। और भाई जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, अपने मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, फिर वो भी खुश और मैं भी खुश। तो मतलब तुम लोग जिंदगी का रिस्क उठाने को तैयार हो ना? हाँ भाई। जोर से बोलो जय माता दी। तो इस काम में हमारी एक ही आदमी मदद कर सके, पेंगुइन बाबा। बाबा पेंगुइन बाबा तो मिलकर तुम्हें कहती स्वाद सा आ जाएगा, एकदम रंगीला बाबा है। भाई यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे नाम है पेंगुइन बाबा, ये तो नाम से बहरूपिया लग रहा है। ओ भाई ऐसे मत बोले, इस बाबा ने ऐसे ऐसे काम कर रखे तुम सोच भी ना सको, एक बार हमारी काम वाली का बालक ना हो रहा था, फिर बाबा ने बालक कर दिया। अरे नहीं यार, उसने ऐसे ऐसे टोटके कर दिए, अगले दिन ही बालक हो गए बेबी दो दो। जी हाँ। और मैंने तो नू भी सुनी है, मंदे टाइम आनी लंबानी भी यही आया करता, बालक करवान। अरे नहीं, मोटा पैसा कमान। अब तुम देखना पेंगुइन बाबा तो मिलकर हमारी किस्मत कैसे चमकन वाली है। बाबा की जय हो। या बाबा की। बम बोले बम बोले। आओ बच्चों आओ, बताओ क्या संकट है? भाई वो खुद नंगा बैठा है, हमें कैसे पैसे कमवाएगा, ये केवल बालक पैदा कर सके और कुछ ना इसके बस की। हेलो, हाँ मर्सिडीज ने सर्विस में छोड़ के थार ने घर ने लिया। अरे जल्दी आओ बच्चों, बताओ बताओ। बाबा सीधी बात है, हमें चाहिए पैसा, और इतना पैसा चाहिए कि गिनते गिनते हम खत्म हो जाए, पर पैसे खत्म ना हुए। वो सब तो ठीक है, पर तू ऐंठ कैसे रहा है? अरे बाबा जो जो उसमें मुंह तो निकल गई। चल ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे एक पता भेज जाए, वहाँ जाके मेरा नाम ले दियो, और फिर देख पैसों की बारिश होगी राव साहब। जम बोले बम बोले बम बोले। सही जगह आए हो, बस तुमने एक छोटा सा काम करना है, यो बैग इस एड्रेस पे पहुंचाना है। पहुंचा देंगे जी। और इसके बदले तुमने मिलेंगे 10,00,000 रुपये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, पहुंचा देंगे। अरे भाई पहले पूछ ले इस बैग में है क्या। अरे कुछ भी हो यार पहुंचा देंगे। इस बैग में हीरोइन है। कौन सा वाली? अरे कोई सी भी हो यार, अमीषा पटेल हो चाहे प्रीति जिंटा, पहुंचा देंगे।
अबे भाई इसमें हीरोइन है हीरोइन। तो तूने कौन सी फिल्म बनानी है उस गैल? अबे वो वाली। अच्छा वो वाली हीरोइन। हाँ। हाँ तो क्या होगा, पहुंचा देंगे भाई, 10 लाख का सवाल है। पहुंचा देंगे जी, काम हो जाए। ठीक है तो फिर तुमने एक आदमी खड़ा मिलेगा वहाँ पे काला चश्मे पहन के, तुमने उसके कान में जाकर बोलना है आज मोला ले रहा है। अगर तुमने वो बोल दे कि आम पाचक है तो फिर तुमने यो बैग उसको दे देना है। बस इतनी सी बात। नू गया नू आए। आ जाओ यार, यो काला चश्मा लगाया आदमी कहाँ मिलेगा? इससे बढ़िया तो मुझे छोरी ढूंढने के लिए कह देते, मैं छोरी बहुत तेज ढूंढ दूं। ओए उसने भी काला चश्मा लगा रखा ना। भाई आज मुला ले रहा है। यार ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया, अब उस आदमी ने ढूंढते डोले, जगह जगह पिटते डोले। एक आइडिया है मेरे दिमाग में बहुत कैड़ा, चलो जल्दी चलो। भाई सोचो, इसे पार्सल करने के 10 लाख रुपए दे जा रहे हैं तो इसके अंदर कितने का माल होगा? भाई कम से कम 50 लाख का, मैंने फिल्मों में देखा है, बहुत महंगी आइटम है यो। भाई एक तो हम वैसे ही गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से इसमें भी गलत काम। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मंगल को चिकन खाया, फिर नवरात्रि की मंगल को भी हमने चिकन ही खा लिया। भाई मैं तो कहता हूँ इसे चुपचाप डिलीवर करते हैं, अपने 10 लाख रुपए लेते हैं, निकलते हैं जमेले से। बेटा बात 50 लाख रुपए की है, जो हीरोइन मोटा पैसा दे के जाएगी हमें। सॉरी टू से ब्रो, बट अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मुझसे दूर ही रहना। हाँ हाँ जा, इसमें तेरा ही नुकसान है कुत्ता। चल इसे जान दे, अपने घर चल के सोचेंगे क्या करना है इसका। आ जा। पटियाला तू बैठ, मैं फ्रेश होकर आया, फिर देखेंगे इस माल का क्या करना, ठीक है? मम्मी रोटी बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है यार। मम्मी रोटी कुछ अजीब सी लग रही है, कुछ मिला है क्या इसमें? अरे जो तू आटा लेकर आया था उसी की तो बनाई है रोटी, आटा वैसे खत्म हो रहा था घर में। अरे जो तू आटा लेकर आया था उसी की तो बनाई है रोटी। अरे जो तू आटा लेकर आया था उसी की तो बनाई है रोटी। अरे जो तू आटा लेकर आया था उसी की तो बनाई है रोटी। 50 लाख की रोटी बना दी आपने। भाई इस बार माफ कर दो भाई, मेरे घर में 2 छोटी-छोटी बीवियां 3 बहुत बड़े-बड़े बच्चे हैं भाई, आगे तो नहीं होगा। भाई देखो मारना तो मार लो, पर मैंने मारने से पहले एक बार शिखर खवा दो। तुम्हें ना मिला कुछ, तुम दोनों ने मेरा पूरा 50 पेट का नुकसान कर दिया, ये तुम दोनों की एक एक करके बलि चढ़ाऊंगा। सारे अपने हाथ ऊपर कर लो, तुम नहीं अरेस्ट करो इन्हें, इनकी करवाऊंगा मैं हाथ मोला सत मोला। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. हेलो एवरीवन, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तो अपने फैमिली मेंबर्स को बोलना, अपने दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी 4 मिलियन हो जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा यार।